कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया की पुलिस प्रशासन को भरे मंच से खुलेआम धमकी, कहा बेईमानी से बटन दबाए तो हाथ तोड़ देंगे। विजयपुर उपचुनाव से पहले आज विजयपुर में हो रही विशाल किसान आक्रोश सभा के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता फूल सिंह बरैया का बड़ा बयान। फूल सिंह बरैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास न तो वोट है और न ही नेता है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलता है वो वोट लूट कर मिलता है, पुलिस को लगाकर मशीन पर बटन दबाती है। अगर किसी भी सिपाही ने, किसी भी थानेदार ने, किसी भी SDOP ने अगर मशीन पर जाकर बटन दबाया तो उस पुलिस वाले का हाथ तोड़ दिया जाएगा। आज ये मैं सभा में घोषणा करता हूँ। उन्होंने बिना नाम लिए वन मंत्री पर तंज कसा, उन्हें गब्बर जैसा नेता बताया। जनता से कहा कि यदि कोई भी धमकी देता है, चाहे वो कोई भी मंत्री बन जाए, चाहे वो SP को मन मौखिक ले आए, चाहे वो पुलिस वाले हो आए, चाहे वो थानेदार ले आए, लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आप पर अगर किसी ने उंगली उठाई तो आंखें निकाल ली जाएगी। हमारे पास सत्ता तो नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन हमारे पास 9 नंबर का जूता तो है। ये बयान फूल सिंह बरैया ने विजयपुर में हुई आम सभा से खुले मंच में दिया। पार्टी उसके पास ना वोट है ना नेता है। भारतीय जनता पार्टी जो वोट लेती है तो वोट लूटती है, पुलिस को लगा करके मशीनों का बटन दबाती है। अब हमें मालूम पड़ चुका है अगर किसी भी सिपाही ने, किसी भी थानेदार ने, किसी भी SDOP ने अगर मशीन पर जाकर के बटन दबाया तो उस पुलिस वाले का हाथ तोड़ दिया जाएगा। ये मैं आपके बीच में घोषणा कर रहा हूँ। ये कहूंगा कि अगर आपको कोई धमकी देता है, कहा था कि यहाँ कोई गब्बर जैसा नेता बन गया है, अगर कोई भी धमकी देता है, चाहे वो मंत्री बन जाए, चाहे और कुछ बन जाए, चाहे SP को अपने मनमाफी के लेके आ जाए, पुलिस को आ जाए, थानेदारों को लेके आ जाए, हम लोग दावे से कह रहे हैं कि किसी ने भी आपके ऊपर अगर उन्होंने उठाई, किसी ने भी आपके ऊपर नजर डाली, उसकी आंख फोड़ दी जाएगी, उसे यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, अगर नहीं मानेगा तो हमारे पास सत्ता तो नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन हमारे पास 9 नंबर का जूता तो है।